लग रहा था कि बहुत सारे इमोशनल हो जाऊंगी मैं, बट एक्चुअली बहुत शांति लग रही है, ऐसा लग रहा है घर वापस आ गया, तो अच्छी फीलिंग है। तो जनाब यार ऑलमोस्ट लाइन में है अभी, एंड कोई लाइन नहीं है एक्चुअली, सब झुंड बना के खड़े हुए हैं। आप लोगों को पता है जैसे हम ऐसे इलाकों में जाना शुरू कर देते हैं तो हालत हमें ऐसे दिखनी लग जाती है, बट एनीवेज यार अभी एक बड़ा मस्त इंसिडेंट हुआ है, मैं आपको बैठ के बताऊंगी, आप हंस हंस के पागल हो जाओगे, मैं तो 5 मिनट यहाँ पे हंसती रही बैठ के, बड़ा ज़्यादा फनी इंसिडेंट हुआ है सच में और गजब यार। अभी जब वो बोर्डिंग पास चेक कर रही थी मैम साहब, उन्होंने कोविड टेस्ट देखा, वीज़ा मांगा एक्चुअली, अब मांगा वीज़ा तो शायद ऑन अराइवल वीज़ा नहीं है, वो जाके एड्रेस पे पता चलेगा, शायद मैं गलत हो सकती हूँ, अभी इन्होंने वीज़ा चेक करा तो क्या पता ऑन अराइवल अभी भी ना हो, बट आगे चल के देखते हैं। एंड सिर्फ कोविड टेस्ट मांगा, वीज़ा मांगा और बस कुछ नहीं, दैट्स इट, यही दो डॉक्यूमेंट मांगे, रिटर्न फ्लाइट टिकट ये सब कुछ नहीं मांगा। और ये ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत सारी तुर्की एयरलाइन की फ़्लाइट्स खड़ी हैं जाने के लिए, एक दो ओमान की तरफ भी जा रही हैं, तो शाम यार सूरज भी ढल रहा है ऑलमोस्ट, तो सही सीन है, एक नंबर। और मैं यार स्टोरी आपको पहुँच के बताऊँगी, मेरे पास एक्चुअली ये एक मेरा बैग नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा बैग है और पीछे मेरे पास एक अपना बैग है, तो ये एक बैग की स्टोरी है जो मैं आपको बताऊंगी। ऐसी लोग देख के हंसी जा रहे हैं मेरे वीडियो बना रहे, तो कोई नहीं, तो यार ये बड़ी अजीब बैग की स्टोरी थी, बाप रे। तो जनाबर ऑलमोस्ट भाई एंट्री हो गई है हमारी जहाज में, एंड सीट 20F है, तो हेलो, थोड़ी बहुत भीड़ है, भीड़ ज़्यादा नहीं है वैसे, लेकिन मुझे जहाज़ में इस बार वीडियो बनाते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि लोग ज़्यादा घूम रहे हैं, बट कोई नहीं, 11-12 लड़कियाँ मिली मुझे, तो वो कहती यार हमसे हमारा एक बैग ले लो, एडिस में बाहर निकलने के बाद हमें दे देना, तो मैंने पूछा भाई क्यों, तो उन्होंने बताया सबने एक एक बांट रखे हैं, उसमें ये लोग पता क्या कर रहे हैं, इन्होंने तुर्की से सस्ते दाम में कपड़े लेके आ रखे हैं एंड इथोपिया से आगे बेचेंगे, तो अगर ये लोग लेके जाएंगे ना तो इथोपिया की गवर्नमेंट ये सारे कपड़े निकाल के इन पर टैक्स लगाएगी और फिर महंगे हो जाएंगे, तो अगर मैं लेके जाऊंगी तो मैं कह सकती हूँ मैं अपने दोस्तों के लिए लेके जा रही हूँ, तो मेरे को कहती मेरी मदद कर, खैर चलो ठीक है कोई नहीं, तो उसने अपना एक बैग मुझे पकड़ा दिया, बट सही है, कभी कभार ऐसे हमारी भी लोगों ने मदद करी है, तो मैंने भी बोला क्यों नहीं जनाब ज़रूर। और ये भाई बाहर सूरज डूब रहा है, बहुत सुंदर, एक नंबर, एंड ऑलमोस्ट आई थिंक सब तैयारियाँ कर रहे हैं अपनी, यार जहाज में भाई 5-6 घंटे का सफ़र अब जून के बाद निकल रहा है, जून में लास्ट था रशिया के अंदर, उसके तब से लेके ज़्यादा रेगुलर 5-6 घंटे का सफ़र नहीं निकला है, 3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा, तो देखते हैं अजीब ना लगे बस, बाकी सब कुशल मंगल चले जाए, वैसे ही थोड़ा जुकाम हो रखा है, बाप रे 1000 बार बोल दिया मैंने, लेकिन सर दुख रहा है बहुत जुकाम की वजह से। जनाब यार सफर ऑलमोस्ट शुरू हो गया है, जहाज़ ने चलना शुरू कर दिया, उड़ना अभी बस 1 मिनट में शुरू कर देगा, और मैं ऐसे कैमरा करती हूँ तो मेरा मुंह पूरा ऑरेंज दिख रहा है सूरज की रिफ्लेक्शन की वजह से, बहुत सुंदर। थोड़ी शांति हो गया फाइनली जहाज के अंदर, तो sayın yolcularımız uçaklarımızdaki havayı 3 dakikada bir yeniliyor. Hava kalitesini en üst düzeyde tutuyoruz. Thodi shanti hogi jahaz ke andar. Tüm yolcularımızın Türkçesi maske pehen lo. Mene kaha theek hai zarur. Uzun süre maske takamayacak rahatsız olan yolcularımız yüz koruyucusuyla seyahat edebilirler. Ateş. Yani onu khana dena bhai shuru kar raha hai.
ये सुनाए तो ना, और ब्रेड है और ये एप्पल जूस दिया है एंड पानी, और ये चाची की ये दही है जितना मुझे पता है, कोई कस्टर्ड होगा और ये मक्खन है। तो ये सीन है। एंड मैं ये कह रही थी कि पहले मेरे को नॉनवेज दे रहे थे, तो मैंने कहा कि भाई नहीं मुझे वेजिटेरियन चाहिए, तो कहते आपने बुक नहीं करा, तो मैंने कहा नहीं यार मैंने करा है। तो फिर इनके पास पास्ता था तो इन्होंने दे दिया पास्ता, एंड ये लोग अभी इधर भाई सर्व कर रहे हैं। बोले एयरपोर्ट है हमारा एंड ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, और अब देखते हैं आगे इमिग्रेशन पे क्या होता है। आजकल यार थोड़ी बहुत दिक्कत आती है इमिग्रेशन पे इथोपिया में, बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करा है, बट जाके देखते हैं मेरा क्या एक्सपीरियंस रहता है। बाकी देखो तो भाई स्वागत करते हैं आपका इथोपिया में, दूसरी या तीसरी बार पता नहीं कितनी बार इस एयरपोर्ट पे आ रहा हुआ है। तो ये बोले एयरपोर्ट है, आप लोगों ने पिछली बहुत सारी वीडियोस में देखा है ये एयरपोर्ट, रात के 11-12 बजे कुछ ऐसा दिखता है, बहुत सही। अभी तक मेरा इस एयरपोर्ट पे हमेशा सही एक्सपीरियंस रहा है, इस बार देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। इधर ये तो ट्रांसफ़र वाले लोग लग रहे हैं मुझे, ये ट्रांसफ़र के लिए रुके हैं, बट हमें आगे सीधा जाना है। तो गजब भाई साहब, बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरे को लग रहा था कि बहुत सारी इमोशनल हो जाऊंगी मैं, बट एक्चुअली बहुत शांति लग रही है, ऐसा लग रहा है घर वापस आ गया। तो अच्छी फीलिंग है यार, अगर मैं गलत नहीं हूँ और जितना मुझे याद है ये इमिग्रेशन का चेक पॉइंट है जनाब, एंड आई होप सब सही चले जाए। बहुत लोगों ने पोस्ट करा है सोशल मीडिया पे कि इथोपिया एयरपोर्ट पे दिक्कत आती है आजकल, चाहे वो अराइव कर रहे हैं, कुछ लोग डिपोर्ट भी हुए हैं, एंड जब वो लोग एग्ज़िट करते हैं तो भी बहुत दिक्कत आती है। एंड सॉरी यार मेरे से अभी भी बोला नहीं जा रहा, तो मैं अपने एक्सपीरियंस बताती हूँ यार आपको, अभी मेरे को भी अजीब लग रहा है क्योंकि मैंने इतनी सारी स्टोरी सुनी है इथोपिया से रिलेटेड पिछले 3-4 महीने में, बट देखते हैं चल के क्या होता है। तो मैं कैमरा बंद करती हूँ फिलहाल। भाई ये अपना बैग आ गया, और इमिग्रेशन की कहानी मैं आपको बाद में बताती हूँ बाहर चल के, तो अभी पहले बैग उठाएं, और यार वो लड़की का बैग भी देना मेरे को। तो अभी मेरे को वो लड़की भी दिख नहीं रही यहाँ पे कि है कहाँ पे, वो दिखे तो मैं पकड़ाऊँ उसे बैग। वाह, एक तो रात का टाइम, मेरे बैग से यार चीज़ें निकली हैं क्या पता नहीं चल रहा, बट आई थिंक नहीं कपड़े ही थे, बंदा क्या करेगा निकाल के, बट वो लड़की ढूंढने यार सबसे पहले तो। ओके तमाम, तो यार इमिग्रेशन भाई क्लियर हो गया था हमारा, एंड ये हम बाहर जा रहे हैं, यही वो लड़की है जिसका मुझे बैग देना, आप इसके बैग देखो इतने सारे भर के लाई है ये कपड़े, बट सही है यार सभी अपनी ज़िंदगी निकाल रहे हैं, सिर्फ यही नहीं बहुत सारे लोग इथोपिया से बैग भर भर के लाए हैं यहाँ पे काम करने के लिए, बट इनके पास कोई और उपाय भी नहीं है, तो नो जजमेंट।
कोई नहीं, सही। तो भाई ये गाड़ी है जिसमें हम जा रहे हैं एंड वही पुराने हॉस्टल में जाएंगे जहाँ पे हम पहले रहे थे। और ये एयरपोर्ट था जनाब, ये मेरी दोस्त बनी है। थैंक यू। तो भाई वो तो यार मैं आपसे पहुंच के बात करती हूँ और इमिग्रेशन की स्टोरी मैं हॉस्टल पहुंच के बताती हूँ आप लोगों को। तो सुप्रभात, अभी यहाँ पे 10:30 बजे इथोपिया में एडिस अबाबा में। यार इमिग्रेशन पे पहले तो मुझे बोला कि वेलकम, तो मैंने बोला थैंक यू। ऑफ कोर्स मैं अमहारिक में थैंक यू बोलना भूल गई हूँ, बहुत डिफ़िकल्ट है। बट एनीवेज उसके बाद क्या था, हाँ उसके बाद मेरे से पूछते हाउ इज़ इंडिया, मैंने कहा वेरी नाइस। एंड फिर बोलते कि इथोपिया में आपका पहली बार है, मैंने कहा नहीं दूसरी बार है। तो बस ऐसे थोड़ी बहुत उन्होंने गप्पे मारी, हंस रहे थे और फिर पासपोर्ट पे स्टैंप लगाया और बोला कि वेलकम टू इथोपिया। तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई यार, ना ज़्यादा मेरे से क्वेश्चन पूछे। एंड इसके बाद मैंने इन्हीं इमिग्रेशन ऑफिसर से पूछा कि वीज़ा ऑन अराइवल इंडियंस को स्टार्ट हो गया क्या, तो इन्होंने बोला कि नहीं अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बंद पड़ा है। तो मैं वीज़ा ऑन अराइवल वाले सेक्शन वाली साइड नहीं जा पाई बिकॉज रश बहुत था एंड जाने नहीं दिया। एंड अगली बारी अगर हुआ तो मैं ज़रूर एक और बार पूछूंगी, बट इन ऑफिसर से मुझे यह इन्फॉर्मेशन मिली है कि वीज़ा ऑन अराइवल अभी बंद है, तो रिस्क मत लीजिए। समहाउ यार ई वीज़ा लेके आइए, कोई मुश्किल बात नहीं है। आप ई वीज़ा के लिए भी उतने ही पैसे देंगे जितना आप वीज़ा ऑन अराइवल के लिए देंगे, तो इट्स बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन अभी इथोपिया से रिलेटेड क्लियर नहीं है। बट आई थिंक अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट आप सही हैं तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे से पूछा, होटल भी नहीं पूछा मेरे से, बस यही क्वेश्चन पूछा इंडिया कैसा है एंड इथोपिया में आपका पहली बार है या दूसरी बार, तो मैंने बोल दिया। एंड बैटरी चली गई थी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में एंड आई होप आपको इस वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो। एंड मैं आपको अपडेट देती रहूँगी अब इथोपिया के ऊपर या इन्फॉर्मेशन, बिकॉज आई नो अभी बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं ट्रैवलिंग में, इस साइड दिक्कत आ रही है। तो मैं अपनी तरफ से यार पूरी कोशिश करूँगी। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई। एंड अभी मैं जा रही हूँ यार उमा का कैमरा वापस करने, तो ये सीन है जनाब। बगा बगा दस वेदानिया, चाओ चाओ।